नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है और दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन से अपना जो है रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना चाहते हैं जो कि आप कंपनी में सबमिट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे केवल 2 से 3 मिनट में आप जो है अपने मोबाइल से एक प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। आप अपने रिज्यूमे में अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका नेम है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी एजुकेशन है, आपके क्वालिफिकेशन है, और आपकी जितने भी जो भी सारी जो डिटेल्स हैं आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या है, और ये रिज्यूमे दोस्तों आप अपने मोबाइल में ही बना सकते हैं। केवल 2 से 3 मिनट में आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका PDF यहाँ पे आप रेडी कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट निकला के आप अपना PDF यहाँ पे रिज्यूमे बिल्कुल 2 से 3 मिनट में रेडी करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ कैसे यहाँ पे जो है आप अपने मोबाइल से जो है अपना रिज्यूमे यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि कैसे यहाँ पे आप जो है अपने मोबाइल से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल से अपना रिज्यूमे बनाने के लिए, प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाने के लिए, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है। गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पे आपको सर्च करना है रिज्यूमे मेकर। तो यहाँ पे रिज्यूमे मेकर जब सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन आता है रिज्यूमे मेकर एप्लीकेशन CV मेकर। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे देखिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद, रेडी करने के बाद इसको जो है ओपन करते हैं। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है गेटिंग रेडी। तो दोस्तों की यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, और ये जो है एप्लीकेशन आपका जो है यहाँ पे सेटअप लेता है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, एक तो क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई देता है और एक डाउनलोड्स वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एड्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जो है अपना नेट यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि ये ऑफलाइन भी काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन काम करेंगे तो इसमें जो है एड्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव, रेफरेंस, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वन बाय वन करके यहाँ पे आपको डालनी है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में मैं आ जाता हूँ, और मैं जो है यहाँ पे मेरे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे जो मेरा नेम है और यहाँ पे जो है मेरा एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ, ईमेल आईडी, जो जिस भी ईमेल आईडी से जो है आप डालना चाहते हैं कॉन्टैक्ट के लिए डालना चाहते हैं, और यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे आपकी फोटो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो चलिए मैं ये डिटेल डालता हूँ और आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये सारे डिटेल्स मैंने डाल दिया है, मेरा नेम डाल दिया है, एड्रेस डाल दिया है, ईमेल डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, और फोटो वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको एक फोटो यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। तो आपकी गैलरी में से जो भी आपकी फोटो है वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया, इसी तरह आपको अपनी फोटो यहाँ पे चूज़ करनी है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे ऐड का, और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सेव का। तो यहाँ पे सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपकी ऐड हो चुके हैं। अब सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए दोस्तों एजुकेशन का। तो एजुकेशन में देखिए यहाँ पे एजुकेशन पे आपको क्लिक करना है और ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों ये आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो भी आपकी एजुकेशन है यानी कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, कौन सी डिग्री है आपके पास, और कौन सा स्कूल है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, और कितने ग्रेड आए हैं आपका, क्या स्कोर आया है, और यहाँ पे जो किस कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। तो ये आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर एग्जांपल भी बताया गया, देखिए एग्जांपल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बोलेगा टाइप ऑफ डिग्री कौन सी है आपके पास, इसके बाद नेम ऑफ योर स्कूल, इसके बाद GPA क्या है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी कितनी है। तो ये सारी डिटेल मैं डाल देता हूँ, डाल के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने फर्स्ट एजुकेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसके बाद सेव वाले बटन में क्लिक कर देना। तो देखिए ये एजुकेशन मेरी सेव हो चुकी है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी है, BTech है मेरा, ये वाला स्कूल है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। इस तरह से आपको अपनी सारी एजुकेशन यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं बाकी की एजुकेशन भी इसमें डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सेकंड एजुकेशन यहाँ पे डाल दी है और सेव वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि देखिए दोस्तों मैंने जितने भी एजुकेशन है वो यहाँ पे डाल दिया, मैंने एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन पे आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको अपनी एजुकेशन यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कितना कौन सी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और कौन से फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, कितना आपको एक्सपीरियंस है। तो देखिए एग्जाम्पल वाला एक ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि यहाँ पे आपने स्टार्ट कब किया और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, सेल्फ टाइम है, इंटर्नशिप की हुई है, आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या कौन सी कंपनी में आप काम करना है, और उसका डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पे आपको ऐड करना है, ऐड वाले बटन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम डाल देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गूगल डाल दिया है। इसके बाद सेल्स टाइटल यहाँ पे डाल दीजिए कि कौन सा फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद स्टार्ट डेट डाल दीजिए, एंड डेट डाल दीजिए, और डिटेल्स डाल दीजिए। तो चलिए मैं डिटेल्स भर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये डिटेल्स मैंने भर दी है, मैंने दो एक्सपीरियंस हमें डाल दिए, पहला एक्सपीरियंस मैंने ऊपर ये वाला डाल दिया और दूसरा एक्सपीरियंस ये डाल दिया। इसके बाद आप भी अपने इस तरह से एक्सपीरियंस हमें डाल दीजिए, इसके बाद सेव वाले बटन में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्किल्स वाला सेट आता है, तो स्किल्स यहाँ पे आपकी क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी, या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है आपकी, या देखिए दोस्तों मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है आपकी, या आप जो है टीम प्लेयर है, एक अच्छी टीम प्लेयर है, यहाँ से इस हिसाब से आप जो भी आपकी स्किल्स यहाँ पे डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं अपनी स्किल्स से यहाँ पे डाल के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी है, स्किल्स यहाँ पे डाल दी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन डाल दिया, टीम प्लेयर डाल दिया, टीम बिल्डिंग डाल दिया, डिसीजन मेकर डाल दिया, क्विक लर्नर डाल दिया, तो ये सब मैंने डाल दिया। इसके बाद सेव वाले बटन में क्लिक कर देते हैं। आप भी अपने हिसाब से स्किल्स यहाँ पे अपनी डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको डालना है कि बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या करना चाहते हैं और कैसे आप खुद को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाते हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव हमें सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला चूज कर लिया, इसमें लिखा हुआ है टू वर्क इन एन एनवायरमेंट विच एनकरेजेस मी टू सक्सीड एंड ग्रो प्रोफेशनली, वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड नॉलेज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव हमें चूज कर लिया। हम यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। आप रेफरेंस दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आपको किसी ने रेफरेंस दिया है इस कंपनी में जॉब के लिए, या तो यहाँ पे आप अपना रेफरेंस डाल दीजिए कि इस वाले बंदे ने मेरे को रेफरेंस दिया और कौन सी कंपनी में है और उनका जो है क्या डिटेल्स है। तो रेफरेंस मैं अभी के लिए खाली छोड़ देता हूँ, आप अपना अगर डालना चाहते हैं रेफरेंस हमें डाल दीजिए। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट के ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप कवर लेटर भी डाल सकते हैं आपका। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऐड मोर सेक्शन, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड मोर सेक्शन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट डाल सकते हैं, अपना एनेबल कर दीजिए इंटरेस्ट में, तो ये आपको बताएगा कि किस में आपको इंटरेस्ट है, मतलब क्या क्या आप देखना चाहते हैं, क्या अगर कौन सा गेम पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह ऐड पे क्लिक करके मैंने वॉचिंग मूवीज करके यहाँ पे डाल दिया। तो इसी तरह से आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे बता दीजिए कि किस किस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसे फोटोशॉप है, सर्फिंग इंटरनेट है, और सोशल एक्टिविटीज़ है, बास्केटबॉल है, वॉलंटियर, तो इस हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट डाल दीजिए। तो ये सेम मैंने कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे और भी जो है यहाँ पे सेक्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ के सेक्शन मिल जाते हैं, पब्लिकेशन मिल जाते हैं, लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप दो तीन लैंग्वेजेस जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश के साथ में, जैसे मान लीजिए अगर आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज डाल सकते हैं। इसी हिसाब से आपको और भी सेक्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर का है और ये है सिग्नेचर के, अगर मान लीजिए अगर आपके पास सिग्नेचर है तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिए, या फिर आप जो है ऑनलाइन साइन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो है एक सिग्नेचर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी सिग्नेचर मेरा सेव हो चुका, तो देखिए ये सिग्नेचर मेरा यहाँ पे आ चुका है और ये सिग्नेचर मेरे सीवी में आ जाएगा, यानी कि रिज्यूमे में मेरा सीवी ये जो है सिग्नेचर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे से देख लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको व्यू सीवी पे क्लिक कर देना है। तो व्यू सीवी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि यहाँ पे आप कौन सा सीवी का पैटर्न लेना चाहते हैं। ये देखिए आपको कितने सारे यहाँ पे सीवी के पैटर्न मिल जाते हैं। देखिए यहाँ आपकी इस यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से आपका जो भी आपको बेस्ट लगता है पैटर्न वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10वें नंबर वाला थोड़ा बीट ठीक लग रहा है, तो मैंने ये चूज कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो है मैंने यहाँ पे पैटर्न लिया, और ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा रिज्यूमे इस तरह यहाँ पे रेडी हो चुका है। ऊपर आपको कलर्स मिल जाते हैं, अगर आपको कोई दूसरे कलर्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, तो इस हिसाब से आप अपना जो है यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। मेरे को ये वाला कलर ठीक लगा, तो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। अब जूम वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको जूम करके आप पढ़ सकते हैं सारी डिटेल्स। यहाँ पे देखिए आपकी फोटो जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, इंटरेस्ट आ जाता है, और ये इस तरह से आप जो है आपका जो है यहाँ पे रिज्यूमे यहाँ पे रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो है बेसिक मैंने चीज़ें यहाँ पे पुट करके यहाँ पे दिखाई है। आप यहाँ पे जब अपना रिज्यूमे यहाँ पे फिल करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा डिटेल्स आप फिल कर सकें उतना ज़्यादा डिटेल्स फिल कीजिएगा, तो क्योंकि आपका जब जितना ज़्यादा आप डिटेल्स उसमें फिल करेंगे उतना आपका कंपनी के लिए अच्छा, जब आप जो देना चाहते हैं इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा और आपका जो रिज्यूमे वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है रिज्यूमे यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, सीधा सिंपली डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देता है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका जो है डाउनलोड हो चुका है, ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप अपनी फोन गैलरी में आ जाइए, फाइल मैनेजर में मैंने ओपन कर लिया, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स वाला जो ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स वाला जो फोल्डर है उस पर मैंने ओपन कर लिया, और ऊपर देखिए ये सीवी मेरा आ चुका है बना हुआ। इसको मैं पीडीएफ फाइल इसकी ओपन कर लेता हूँ, ये पीडीएफ मेरा डाउनलोड हो चुका है।
अब इसकी पीडीएफ मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पीडीएफ मैंने ओपन किया और ये जो है पीडीएफ मेकर से, पीडीएफ ओपनर से ओपन हो चुका है। अब देखिए ये जो है मेरा सीवी यहाँ पे, रिज्यूमे मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरी फोटोज आ चुकी है, प्रो ऑब्जेक्टिव आ चुका, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ चुकी, स्किल्स है, इंटरेस्ट है, लैंग्वेजेस है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ये सारी डिटेल्स मेरी आ चुकी। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको भी जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देनी है। जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके उतनी ज़्यादा डिटेल्स आप डाल दीजिए, ताकि जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप डालेंगे उतना आपका जो है बेटर रिज्यूमे क्रिएट होगा, उतना अच्छा आपका सीवी क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हुई। वीडियो पसंद आता हो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहे हर माध्यम मुझे भोलेनाथ।